मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला इसका पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो इसमें भिन्न बताना है और इसमें समीकरण भी बनानी है। पहले क्या था, पहले तो समीकरण दिया रहता था, हम x और y की वैल्यू निकालते थे, लेकिन अब क्या करना है, अब इसमें समीकरण भी बनाना है और वैल्यू भी निकालनी है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है, कह रहा है यदि हम अंश में, पहले तो हम भिन्न मानेंगे, माना भिन्न x बाई y, तो कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, ये अंश होता है और ये हर होता है, पहला अंश में एक जोड़ दें तो x प्लस 1 अंश में एक जोड़ दिए, फिर कह रहा है अंश में एक घटा दें, हर में एक घटा दें तो हर y है, तो y में से हम एक घटा देंगे तो भिन्न कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी, घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न तो एक के बराबर करेंगे। फिर ये कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, अंश तो वैसे ही रहेगी, लेकिन कह रहा है हर में एक जोड़ दें, y में एक जोड़ेंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी, तो यह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो जाएगी। तब यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे, 1/2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये होगा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस वन। एक्स और वाई को एक तरफ करेंगे, गिनती को एक तरफ करेंगे, एक्स प्लस वाई है ना, बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, और ये वाला 1 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन कितना होगा, माइनस टू। ये इक्वेशन फर्स्ट आया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x, कितना होगा 2x इक्वल टू y प्लस 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो y प्लस 1 ही मिलेगा, तो y प्लस 1, तो 2x ऐसे ही लिखेंगे, y को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए ये कह रहा है विलोपन विधि से हल कीजिए, तो एक पद को गायब करना है, तो यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, तो दोनों समीकरण को हम लिखते हैं, पहले समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण लिखते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो y से y कैंसिल होगा, 2x में से 1x घटेगा तो कितना आएगा, 1x आएगा, माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे, इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, तो कितना होगा, -3 होगा, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 लिखेंगे,
तो 3 - y = -2 - 2 - y = -2 3 को बराबर के उधर लेके जाएंगे, माइनस में होगा, -3 - y = -2 - 2 - 3 कितना होगा, -5 होगा, -5 तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y = 5, y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 3 थी। फिर अगला पार्ट देखेंगे इसी का, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखते हैं, इसमें भी हमको इक्वेशन बनाना है। दूसरे का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट तो कह रहा है दो लोग हैं, नूरी है और सोनू है। नूरी मान लीजिए, माना नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात कह रहा है ना, पूर्व का मतलब पहले होता है। तो x पहले तो हम दोनों की आयु लिखेंगे, नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, माइनस करेंगे दोनों में से, जब भी पूर्व कहेगा तो हम माइनस करेंगे। फिर वो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ये सोनू की आयु की 3 गुनी है तो ये छोटी है, तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कराएंगे तो दोनों की आयु बराबर हो गई, x - 5 = 3 से गुणा कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3y - 5 × 15। तो x और y को हम एक तरफ करेंगे, गिनती को एक तरफ करेंगे, x - 3y = -15 - 5 है ना, तो इधर लेके आएंगे +5 होगा, x - 3y = -10। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर देखिए, फिर ये कह रहा है 10 वर्ष बाद, अब देखिए कह रहा है 10 वर्ष बाद, ये पहले कह रहे थे, अब बाद वाला कह रहे हैं, कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, तो x + 10 होगा, x + 10 y + 10। फिर कह रहे हैं 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो ये 2 गुनी थी, ये छोटी थी, तो इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो 2 से गुणा करा दिए, x + 10 = 2 से ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो ये होगा 2y + 10 × 20। एक्स पक्षांतर करेंगे, x - 2y = 20। 20 को हम ऐसे लिखेंगे, -10 बराबर के उधर ले जाएंगे, x - 2y = 10। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन फर्स्ट में जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x - 2y = 10। तो यहाँ पे -, +, -, तो इससे ये कैंसिल होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस में आएगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या 3 है ना, तो यहाँ पे हम -y लिखेंगे, = 10 - 10 -20 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y = 20, y की वैल्यू कितनी आई, 20 आई।
एक्स की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे, एक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक क्या है? एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस दस, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सॉरी थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस दस, एक्स माइनस थ्री वाई, वाई के स्थान पे कितना लिखेंगे? बीस लिखेंगे, बीस इक्वल टू माइनस दस, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बीस तिहाई साठ इक्वल टू माइनस दस, एक्स इक्वल टू साठ को बराबर के उधर ले जाएंगे प्लस में होगा, तो साठ में से हम दस घटाएंगे तो कितना आएगा? पचास आएगा। तो एक्स की वैल्यू पचास आई। नूरी की आयु कितनी थी? पचास वर्ष। सोनू की आयु बीस वर्ष। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग नौ है, इस संख्या को नौ गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या, पहले तो हम इकाई का अंक मानते हैं, दहाई का अंक सॉरी इकाई का अंक माना, इकाई का अंक वाई और दहाई का अंक एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग नौ है, कितना है? नौ है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू नौ, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर ये कह रहा है इस संख्या का नौ गुना। अब हम संख्या मानेंगे, माना संख्या 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए y क्या है, y इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है, तो दहाई का मतलब 10 होता है ना, तो संख्या हम क्या मानेंगे? 10x प्लस वाई मानेंगे। संख्या का 9 गुना, संख्या तो हम यही माने हैं, इसी को हम 9 से गुणा कराएंगे, तो 10x प्लस वाई इंटू नौ, नौ गुना कर दिए। फिर ये कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना, संख्या का अंक पलटना है। तो यहाँ पे देखिए वन वाई है, वन वाई है, तो वन को हम इधर लेके आएंगे और दस को यहाँ लेके जाएंगे, संख्या पलटेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस दस वाई। तो ये कह रहा है दो गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना। अब जब हम संख्या को पलट दिए तो इसी का दो गुना करना है, तो गुणे दो, दोनों को हम बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा नौ का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर कराएंगे, तो ये होगा नब्बे एक्स प्लस नौ वाई इक्वल टू दो एक्स प्लस दस दूना बीस वाई। तो एक्स को हम एक तरफ करेंगे, वाई को हम एक तरफ करेंगे, तो एक्स नब्बे एक्स माइनस टू एक्स इधर आएगा तो माइनस में होगा इक्वल टू बीस वाई, नौ वाई को बराबर के उधर लेके जाएंगे माइनस होगा माइनस नौ वाई, तो नब्बे में से दो घटाएंगे अट्ठासी एक्स आएगा इक्वल टू बीस में से नौ घटाएंगे तो ग्यारह आएगा ग्यारह वाई, तो ग्यारह इक्के ग्यारह, ग्यारह अठे अट्ठासी, तो आठ एक्स इक्वल टू वाई, वाई कितना आया? आठ एक्स। तो वाई की वैल्यू अब हम समीकरण एक में रखेंगे, तो वाई का मान
समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू नौ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू नौ। तो यहाँ पे y इक्वल टू आठ एक्स है ना, तो y के स्थान पे हम आठ एक्स लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे x प्लस आठ एक्स इक्वल टू नौ। वन एक्स ये है, एट एक्स ये है, कितना हो जाएगा, नौ एक्स इक्वल टू नौ, एक्स इक्वल टू नौ बटे नौ, नौ एक के नौ, नौ से नौ कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू वन। x की वैल्यू कितनी आई, वन आई। तो x का मान अब हम समीकरण एक में रखेंगे, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू आएगी, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं, तो समीकरण दो में रखते हैं, एक में भी रखने से आ जाएगा और दो में भी रखने से आ जाएगा। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर तो ये हो जाएगा, समीकरण दो क्या है, आठ एक्स इक्वल टू वाई है, आठ एक्स इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू हम कितना रखेंगे, वन रखेंगे, आठ बुढ़े एक इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एट, वाई की वैल्यू कितनी आई, एट आई। तो ये कह रहा है संख्या बताइए, और संख्या हम क्या माने हैं, संख्या हम 10x प्लस वाई माने हैं ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, तो 8 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 एक के 10 और 10 में 8 जोड़ेंगे तो ये 18 आएगी। तो संख्या कितनी आई, 18 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पार्ट है इसी का। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखते हैं, चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट है मीना। पहले तो हम ये मानेंगे 50 रुपया का नोट और 100 रुपये का नोट। तो माना चौथा पार्ट है, माना 50 रुपये नोटों की संख्या x मानेंगे, 50 रुपया नोटों की संख्या x मानेंगे और 100 रुपये नोटों की संख्या वाई मानेंगे। फिर देखिए वो कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपया और 100 रुपया, तो 50 में हम x का गुणा कराएंगे, संख्या क्या माने हैं, x माने हैं और y माने हैं, तो 50 में हम x का गुणा कराएंगे, 100 में y का गुणा कराएंगे, और कितने रुपए के बराबर, 2000 रुपए के बराबर, प्लस 2000 रुपया, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। फिर देखिए, फिर ये कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना कुल 25 नोट प्राप्त की,
x प्लस वाई नोटों की संख्या कितनी माने हैं? x माने हैं और 100 रुपए के नोटों की संख्या y माने हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। हाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 100 से गुणा करा देंगे, 50 से कराएंगे गुणा, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण दो में हम 50 से गुणा कराएंगे, 50 से, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y होगा, 50y इक्वल टू 50 का गुणा फिर 25 में कराएंगे, तो 25 × 5 = 125, 10। अब देखिए, दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाए, ये कैंसिल होगा। 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, 50y इक्वल टू 2000 में से 1250 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, 5 और 7, तो 750 आएगा। तो y इक्वल टू 750/50, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 × 5, 5 × 5, 2, 7, 5, 25, तो y इक्वल टू 15। तो y हम क्या माने हैं? 100 रुपये नोटों की संख्या y माने हैं, तो कितनी आई? 15। फिर y का मान हम समीकरण दो में रखेंगे, जब y का मान समीकरण दो में रखेंगे तो x का मान आएगा, तो रखेंगे y का मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो क्या है? x प्लस y इक्वल टू 25। तो x प्लस y के स्थान पे कितना रखेंगे? 15 रखेंगे, 15 = 25, x इक्वल टू 25 − 15, तो x इक्वल टू 10। x का मान कितना आया? 10 आया। और x हम क्या माने हैं? 50 रुपये नोटों की संख्या, तो 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी आई? 10 आई। यहाँ पे बराबर रहेगा, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा पार्ट देखते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तकें रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। तो देखते हैं, पहले इसमें हम क्या मानेंगे? नियत किराया मानेंगे। पांचवा पार्ट है दूसरे का पांचवा पार्ट, नियत किराया कितना मानेंगे? माना नियत किराया इक्वल टू x रुपया। और क्या मानना है? अतिरिक्त दिन का किराया y मानेंगे, y रुपया। तो फिर देखिए, ये कह रहा है सरिता सात दिन तक बुक रखती है और सूसी पांच दिन तक रखती है। ये दिन है और ये भी दिन है। अब देखिए, ये कह रहा है प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है।
नियत किराया है तो कितने दिन अतिरिक्त दिन बच रहे हैं? चार दिन अतिरिक्त बच रहे हैं। तीन नियत है तो तीन एक्स होगा, चार अतिरिक्त दिन बच रहे हैं तो चार वाई होगा। तो ये कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है, प्लस इक्वल टू 27 रुपया अदा करती है। तो फिर अब हम सूसी का देखते हैं, सूसी कितने दिन तक रखेगी बुक? 5 दिन तक। और 3 दिन उसका भी तो नियत है, 3 दिन नियत है, कितना दिन बचा? 2 दिन अतिरिक्त बचा। तो 3x होगा 2y होगा, ये नियत वाला है और ये अतिरिक्त वाला है, अतिरिक्त दिन है। तो ये कह रहा है सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। कितना? 21 रुपया अदा करती है। तो 21 के बराबर करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 27। फिर दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2i इक्वल टू 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो y इक्वल टू 6/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो y इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो क्या हम माने थे अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया? 3 रुपया आया, 3 रुपया आया। फिर y का मान आ गया, फिर y का मान हम समीकरण चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 27। 3x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इक्वल टू 27। 3x प्लस 4 × 3 = 12 इक्वल टू 27। 3x इक्वल टू, पक्षांतर करेंगे, 27 माइनस 12। तो 3x इक्वल टू 27 में से 12 घटाएंगे 15 आएगा। तो x इक्वल टू 3 × 3, 3 × 5 = 15। तो x का मान कितना आया? 5 आया। तो x हम क्या माने हैं? नियत किराया माने हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 5 आई। लेकिन नियत किराया निकालना है ना, नियत किराया यहाँ पे हम 3x माने हैं और यहाँ भी 3x था नियत किराया। तो 3x है 3 × 5 इक्वल टू 15 रुपया। तो नियत किराया कितना आया? 15 रुपया आया। और यही तो पूछ रहा है